So good to meet you online. Yeah, it's so nice to meet you as well. I really appreciate everything you do for us. Thank you so much. What do you do and you're based out of? I'm actually a makeup artist. I live in Berlin from 3 years now, but I've left India like 10 years. And maybe during this lockdown, you might not be doing a lot of shoots or whatever. Like, what kind of makeup do you do? Basically, my course was about editorials, photo shoots, sometimes video shootings as well. So, बताइए क्या questions हैं? आप हिंदी समझते हैं? हिंदी आपको? हाँ, मुझे हिंदी आती है बहुत. मैं India में ही बड़ी हुई हूँ. हाँ. अच्छा, India में कहाँ से आप? कहाँ से थे? मैं Bangalore से हूँ. अच्छा, Bangalore से है. Okay. But पिछले कितने सालों से आप वहाँ पर हैं? Germany में 3 सालों से, right? Germany में 3 साल से हूँ मैं. फिर मैं आयरलैंड में थी फॉर 7 years. तो अभी इंडिया से बाहर इज लाइक 10-11 years. 10 years, ओके. मेरा बेसिकली क्वेश्चन वाज अबाउट द कंफर्ट जोन. जैसे एक टाइम पे लगता है कि करियर इज स्टैग्नेंट, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते. आप अभी जिसमें चीज में हो, यू आर कंफर्टेबल, यू नो, लाइक सब कुछ है और कुछ नया करना, मतलब यू डोंट वांट टू डू इट. आई मीन यू वांट टू डू इट, बट आपको निकलना नहीं है. उसके लिए आपको शायद मेहनत करनी पड़ती है या फिर कुछ बाहर निकल के करना पड़ता है. या सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि करियर में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर जाकर के एक स्टैग्नेशन आ जाता है, इन द सेंस कि आप ग्रो करना चाहते हो लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू थिंग्स इन द सेम वे जैसे आप पहले कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब सिचुएशंस चेंज हो गई है तो और मे बी मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, या फिर जो जहाँ से आपको पहले काम आता था वहाँ से आना बंद हो गया है, या फिर मे बी अभी तो करेंटली तो ये कोविड की वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा होगा जो भी आप कर रहे हो उसमें. सो द क्वेश्चन इज कि कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं. व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू कॉन्स्टेंटली अडैप्ट टू न्यू रियलिटीज, और हमको अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना होगा, नॉट जस्ट इन द थिंग दैट यू आर डूइंग बट ऑल्सो इन मार्केटिंग. वहां पर हम लैक कर जाते हैं. हम बेसिकली क्या करते हैं कि मेकअप में, क्योंकि आप हो तो मेकअप में तो आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे, वो तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है. क्या होता है, somebody who is passionate about something, तो उसमें तो हम इन्वेस्ट करते रहते हैं कि मतलब अच्छे से अच्छे आप जो प्रोडक्ट्स लेटेस्ट आए उस पर शिफ्ट हो गए, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, मेकअप में कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो. बट फ्रीलांसिंग में जब आप मेकअप कर रहे हो तो सिर्फ अपने आप को मेकअप में अपग्रेड करने से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू लर्न द वेज टू मार्केट योरसेल्फ. बेसिकली इट्स अ सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग, तो आपको यह सीखना होगा कि इसको मार्केट कैसे किया जाए. और वो सीखना पड़ेगा दो तरीके से. एक, उन लोगों को ऑब्जर्व करके जो ऑलरेडी उस लेवल पे है जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो. आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट जो चार्ज भी आपसे बहुत ज्यादा कर रहे होंगे और जिनके पास में काम भी बहुत ज्यादा होगा, राइट? हाँ, और उनके पास बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा बहुत होता है. और ये फ्रीलांसिंग में बहुत कॉमन है ये वाला जो प्रॉब्लम है. उसमें क्या होता है कि जिसके पास में काम ज्यादा होता है उसके पास में और ज्यादा आता चला जाता है, प्लस दे आर ओवर चार्जिंग ऑल्सो. बट उसी लेवल का काम अगर आप करोगे तो हो सकता है पेमेंट भी कम है और काम भी कंपैरेटिवली कम है, राइट? हाँ, बेसिकली नाम बिकता है. अगर इसको आप और अच्छे से आप देखें तो इट्स मोर लाइक अ ब्रांड नेम. मतलब योर नेम इज नॉट जस्ट योर नेम एज फार एज फ्रीलांसिंग इज कंसर्न, क्योंकि जॉब के डायनामिक्स अलग होते हैं. फ्रीलांसिंग में क्या चलता है, नाम बिकता है कि ये बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है. इससे अब वो बेस्ट किसने करा, उसको किसने डिक्लेयर किया कि वो बेस्ट है? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिल करके उसके ऊपर ये स्टैंप लगाई कि ये बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है जर्मनी की? किसने कहा? वो कहां से बेस्ट, कहां से हो गई, वो एकदम से बेस्ट कैसे हो गई? तो दैट बेस्ट इज बेसिकली अ परसेप्शन, दैट इज नॉट अ रियलिटी. आज कोई और बेस्ट है, कल आप भी बेस्ट हो सकते हो. तो इस परसेप्शन को कैसे चेंज करना है, दैट इज द होल गेम. यू आर गेटिंग वेरी कमिंग फ्रॉम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, बट हाउ टू गेट देयर? सो आई मीन ऑफ कोर्स हार्ड वर्क. हार्ड वर्क से नहीं होगा, मेकअप में एक्सेल करने से नहीं होगा. बिकॉज मेकअप में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आप मेकअप कर रहे हो सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो. बेसिकली दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि आप कितने पॉपुलर हो, और उसके अलावा भी कि आपने किस लेवल का काम आप कर रहे हो.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैगजीन में भी आप शूट कर रहे हो तो आर यू शूटिंग फॉर द इनसाइड और फॉर द कवर, और वो मैगजीन भी किस लेवल की है, इज इट द बेस्ट और द सेकेंड बेस्ट, और या फिर ऐसी है कि कोई पढ़ता ही नहीं है, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बेस्ट है, ये जो बेस्ट वर्ड हम यूज करते हैं कि ये बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है, ये बेस्ट आया कहां से? ये एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है. हम कहते हैं कि ये बेस्ट फोटोग्राफर है बर्लिन का मान लो या यहाँ का भी, किस बेस पे बोलते हैं हम? उसने इतना अच्छा काम किया है, वो उस लेवल पे आया है, एंड देन दे बिकम बेस्ट. आप कह रहे हो उसने इतना अच्छा काम किया है, तो क्या आप ये कह रहे हो कि वो बेस्ट फोटोग्राफर जो है उसका काम सबसे अच्छा है? उससे अच्छा काम किसी का नहीं है. उससे अच्छा काम करने वाले नहीं बैठे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मेकअप आर्टिस्ट है जिसका नाम सबसे ज्यादा है, क्या उसका काम सबसे अच्छा है एक्चुअल में? या उससे अच्छा काम करने वाली भी बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका नाम नहीं है. मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस, एकदम सही बोल रहा हूँ. एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन. जैसे कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा बिकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट सबसे अच्छा है. इसका मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का परसेप्शन सबसे अच्छा है. उससे अच्छे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, उससे सस्ते में भी मिल सकते हैं, बट लोग वो नहीं खरीदते हैं. जैसे कोई ब्रांड नेम है, आप कोई बैग लेने जाते हो तो एक बैग आपको मिलता है $50 का भी, एक $100 का भी है, और एक $1,000 का भी है, और एक $10,000 का भी है. उसमें फर्क क्या है? क्या क्वालिटी में फर्क है? क्या $10,000 वाला जो बैग है उसमें क्या उन्होंने कुछ डायमंड जड़े हुए हैं? क्या वो सोने का बैग है? क्या फर्क है? इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन ऑफ द ब्रांड. सो ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये इसका आंसर है कि हमको सिर्फ वो नहीं सीखना होगा जो हम काम कर रहे हैं, हमको ये भी सीखना होगा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं. मेकअप आर्टिस्ट सुनते ही जो एकदम से नाम आते हैं कुछ माइंड में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन जर्मनी, तो वहां पे भी आप बर्लिन में हो, राइट? हाँ, तो बर्लिन में जो भी लोग जिनको कि एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है, उनके माइंड में जो मेकअप आर्टिस्ट सुनते ही सबसे पहले जो कुछ दो तीन नाम आते हैं या चार नाम आते हैं, उन नामों में आपका नाम कैसे आए? तो अगर ये हो गया तो यू आर ऑन द टॉप ऑफ देयर माइंड. इसको माइंड स्पेस बोलते हैं. उनकी माइंड स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई किया जाए? जैसे इंडिया में आज भी अगर कोई किसी को मिनरल वाटर चाहिए होता है या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है, तो वो जाकर के बोलता है भैया एक बिस्लरी देना. बिस्लरी राइट? ये कहां से आया? व्हाट डू वी मीन बाय बिस्लरी? नहीं, बिस्लरी बोलेंगे. हाँ, और अगर किसी को फॉर एग्जांपल नूडल्स चाहिए तो वो ये नहीं बोलेगा मेरे को नूडल्स के बताओ क्या क्या ऑप्शन, मैगी चाहिए मेरे को. आप समझे? तो ऐसे ही मेकअप मतलब योर नेम. ऐसा कुछ करना पड़ेगा. दैट मस्ट बी द विजन, दैट मस्ट बी द एंड गोल. अगर वो आपका एंड गोल है तो अब उसको अचीव कैसे करना है? फॉर दैट यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफ सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट इन द पास्ट. उन्होंने बुक्स लिखी होंगी, उन्होंने ब्लॉग्स लिखे होंगे, उन्होंने सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे होंगे. उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कैसे वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं. ध्यान से मेरी इस बात को समझना. इट इज नॉट अ रियलिटी दैट दे आर द बेस्ट, इट इज अ परसेप्शन, इट इज जस्ट अ थॉट. एक्चुअल में वो बेस्ट नहीं है. एक्चुअल में हो सकता है आप उनसे बेटर हो, आपका जो काम है हो सकता है उनसे फार बेटर हो, बट परसेप्शन वाइज माइंड में किसी और के कोई और ही नाम घूम रहे हैं. तो उन नामों में आपका नाम कैसे आए, दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट. तो जैसे ही ये विजन आपकी आ जाती है तो आप अपने आप ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो, क्योंकि अब आपको एक गोल मिल गया. कंफर्ट जोन में हम तब जाते हैं जब हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है. जैसे ही कोई बर्निंग डिजायर नहीं होता है ना हमारे अंदर, मतलब जब भी कोई नेक्स्ट हमको कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि कुछ करने लायक है, तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. हम कहते हैं काम चल तो रहा है, चलने दो ना. हाँ, एक्चुअली मतलब ये तो है, ऐसे है. लगता है फिर नेक्स्ट स्टेप पे, हाँ नेक्स्ट पे हम नहीं जाते हैं. तो नेक्स्ट पे अगर जाना है तो यू नीड अ विजन. आपको कुछ ऐसा चाहिए जो अभी करंट आपकी रियलिटी है उससे बहुत बड़ा हो. ऐसा नहीं है जो मैंने अचीव कर लिया. फॉर एग्जांपल आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो मैंने कर लिया वो बहुत है, अभी बहुत कुछ और किया जा सकता है. देयर इज अ लॉट मोर दैट कैन बी डन, देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन.
देयर इज अ लॉट मोर टू अचीव, अभी तो शुरुआत है, ऐसी अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। जैसे आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि आप मेरे पैशन को कितना फील कर पा रहे हो। आई कैन फील इट, आई कैन फील इट, तो आई स्टिल हैव दैट बिगिनर्स माइंडसेट। मेरे को क्या, मेरे माइंड में क्या घूमता रहता है, माई बेस्ट सेशन इज येट टू कम, अभी तक नहीं आया है, आएगा। <You get it? laughs> तो मैं कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता ना। अभी सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरी और आपकी जो बात हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो कि बाद में अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग राइट नाउ कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके थ्रू और हजारों लाखों जो लोग हैं जो एग्जैक्ट उसी फेज में है जिस फेज में अभी आप हो, उनको भी उसका आंसर मिल जाए। सिर्फ आपको ही ना मिले, उनको भी मिल जाए आपके थ्रू या इस हमारी कॉन्वर्सेशन के थ्रू। तो दिस इज माई पैशन। यू गॉट द आंसर, आपको मिल गया आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा था। यस, या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।